नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, पपीता एक बहुत ही स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक फल है। फल के साथ साथ इसके पेड़ में भी कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। पपीते में कई रोगों का उपचार करने के गुण होते हैं। कच्चे पपीते में विटामिन ए और सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही आयुर्वेद शास्त्र में पपीते को लाइलाज बीमारियों को दूर करने वाला माना गया है। पपीते में विटामिन सी, विटामिन ई और बीटा कैरोटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट गुण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे व्यक्ति का यौवन लंबे समय तक बना रहता है। हमारे शरीर में 90% बीमारियां पेट की गड़बड़ी से ही होती है। खान पान की गड़बड़ी और पाचन तंत्र की खराबी के कारण शरीर को उचित पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण शरीर में रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए पपीते को रोजाना की डाइट में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि यही वो फल है जिसके सेवन से कई तरह की बीमारियों से दूर रहा जा सकता है। दोस्तों, कच्चा पपीता विटामिन ए से भरपूर होता है, जो सब्जी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि पका हुआ पपीता विटामिन सी से भरपूर होता है, जिसे फल के रूप में खाया जाता है। इसके अलावा इसका जूस, जेली और जैम बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पपीते का उपयोग खाने के साथ साथ त्वचा की देखभाल के लिए भी किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार पपीते के सेवन से बालों का झड़ना, कब्ज, पेट के कीड़े, सकरवी रोग, बवासीर, चर्म रोग, उच्च रक्तचाप और अनियमित मासिक धर्म आदि कई समस्याएं दूर हो जाती है। लेकिन दोस्तों, 99% लोग ये नहीं जानते कि पपीते का सेवन कब हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, सुबह सुबह नाश्ते के समय में पपीते का सेवन करना काफ़ी फायदेमंद होता है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पपीते के औषधीय गुणों के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करें, उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और दोस्तों, हमारी वीडियोस को खूब सारा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि पके हुए पपीते के क्या क्या औषधीय गुण होते हैं। नंबर एक, आँखों के लिए लाभकारी। दोस्तों, पपीते का सेवन आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए अगर आप एक कटोरी पपीता डेली खाते हैं, तो इससे आपकी आँखों की रोशनी भी बढ़ती है, आँखों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। नंबर दो, कब्ज में फायदेमंद। दोस्तों, अधिकतर लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है। ऐसे लोगों को नियमित रूप से रात में भोजन करने के बाद पपीते का सेवन करना चाहिए। इसके सेवन से कुछ ही दिनों में कब्ज की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। कैंसर की समस्या में फायदेमंद। दोस्तों, पपीता खाने से जानलेवा बीमारी जैसे कि कैंसर से भी बचा जा सकता है, क्योंकि पपीते में बीटा कैरोटीन नामक तत्व पाया जाता है, जो आपको कई जानलेवा बीमारियों से भी बचाता है। नंबर चार, पीलिया की समस्या में फायदेमंद। दोस्तों, पीलिया रोग में रोगी का शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, इसलिए पीलिया के रोगी को प्रतिदिन एक पका हुआ पपीता अवश्य खाना चाहिए। इससे पीलिया रोगी की स्थिति में तेजी से सुधार होता है। बवासीर की समस्या में फायदेमंद। दोस्तों, अगर आप बवासीर से परेशान हैं, तो रोजाना एक पका हुआ पपीता खाएं। इसके सेवन से कुछ ही दिनों में बवासीर रोग छूमंतर हो जाएगा। मासिक धर्म की समस्या में फायदेमंद। दोस्तों, महिलाओं में अनियमित मासिक धर्म का आना या अत्यंत दर्द के साथ मासिक धर्म का आना आदि कई समस्याएं होने पर 250 ग्राम पके हुए पपीते का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। इससे मासिक धर्म से संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। पाचन क्रिया के लिए फायदेमंद। दोस्तों, पपीता में पेपेन एंजाइम व बीटा कैरोटीन नामक तत्व पाए जाते हैं, जो पाचन क्रिया को चुस्त व दुरुस्त रखने में मदद करते हैं। इसलिए जिनका पाचन तंत्र कमजोर हो, उन्हें तो पपीते का सेवन डेली करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक। दोस्तों, पपीते में उच्च मात्रा में फाइबर मौजूद होता है, साथ ही ये विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है। अपने इन्हीं गुणों के चलते ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में भी हमारी मदद करता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो आप भी अपनी डाइट में एक कटोरी पपीता खाना शुरू कर दीजिए। वजन घटाने में फायदेमंद।
दोस्तों एक मध्यम आकार के पपीते में 120 कैलोरी होती है। ऐसे में अगर आप वजन घटाने की बात सोच रहे हैं तो अपनी डाइट में पपीते को ज़रूर शामिल करें। इसमें मौजूद फाइबर्स वजन घटाने में आपकी मदद करते हैं। बढ़ती उम्र के लक्षणों को रोकता है पपीता। जी हाँ दोस्तों, पपीते में विटामिन सी, विटामिन ई और बीटा कैरोटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। यह सभी विटामिन त्वचा में झुर्रियों को दूर रखते हैं और असमय होने वाली त्वचा की समस्याओं को भी सही करते हैं। इस फल को रोज़ाना खाने की आदत आपको लंबे समय तक जवां बनाए रखने में आपकी मदद करते हैं। तो दोस्तों ये थे पपीते के स्वास्थ्यवर्धक गुण। तो दोस्तों आप भी आज से ही अपनी डाइट में पपीते का सेवन करना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।